नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों में से भी बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं। तो एक सवाल हमारे पास आया है कि हथेली पर नमक क्यों नहीं रखना चाहिए, हथेली पर नमक रखने का क्या नुकसान है? तो अगर आपने हथेली पर नमक रखा तो आपको बहुत हानि हो सकती है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हथेली पर नमक रखने का पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है और क्या टोटका है, तो उस तरह का विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपका भ्रम भी दूर कर रहा हूँ, साथ में आपको मैं उसका कारण भी बता रहा हूँ। हमारी जो हथेली होती है ना, हमारी हथेली में मोक्षर होता है सबसे ज्यादा। हथेली जो होती है इनमें मोक्षर होता है, मोक्षर यानी कि इनमें गीलापन हमेशा रहता है। किसी का भी आदमी हो, पैर के तलवे किसी के बहुत तर रहते हैं, किसी की हथेलियां बहुत भीगी रहती हैं, वो तो एक रोग है। पर हमारा तुम्हारा जिनकी ड्राई दिख रही हथेलियां, उनकी हथेलियों में भी ड्राई नहीं है, इनमें मोक्षर होता है हथेलियों में। और मोक्षर के साथ में हथेली के साथ हथेली की जो चमड़ी है ना, पूरी बॉडी की चमड़ी से अलग लगाई है भगवान ने। आप देखिए, कल्पना करिए, मैं कैमरा पर दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह देखो, इधर की चमड़ी अलग है और इधर की चमड़ी अलग है। आप इधर इधर ऐसे करेंगे तो आपको दर्द होगा, और आप यहाँ ऐसे करेंगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोटी चमड़ी और यहाँ पतली चमड़ी है। और यहाँ पर चमड़ी में जो है डॉट्स ज्यादा होते हैं, लकीरें और छिद्र ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन बढ़ाने वाली जगह है। आपने देखा होगा कोई गैरोस हो जाए, कोई मूर्छित हो जाए, तो हम क्या रगड़ते हैं, या तो पैर का पंजा या तो हाथ की हथेली, क्योंकि यहाँ ज्यादा छिद्र होते हैं, रोमे बड़े बड़े होते हैं, तो रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, क्योंकि अग्नि मोक्षर होगा तो ही पैदा होगी, बिना मोक्षर के अग्नि पैदा नहीं होती। आपने देखा होगा बिना बादल बिना बारिश के कभी बिजली नहीं तड़कती है, जब बादल आएंगे बिजली आएगी, मोक्षर आएगा तब जाके बिजली बनती है, तड़कती है। वैसे ही इसमें भी होता है, जब इसमें गर्मी तभी पैदा होगी जब इसमें मोक्षर होगा। ये साइंस है और ये बातें कोई नहीं बता सकता, इतना अध्ययन कोई नहीं करता इन चीजों का गहरा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि नमक जो होता है उसके अंदर भी गलने की प्रवृत्ति होती है नमक में, और गलने की प्रवृत्ति होती है और आपकी हथेली में भी वही प्रवृत्ति है, दोनों प्रवृत्ति एक हो जाती है। तो जब हम हथेली पे नमक रखते हैं तो वो जल्दी से हमारे हथेली में मोक्ष हो जाता है, मिक्स हो जाता है। फिर हम उसे फेंक दें, जड़ा दें या धो भी लें, जो भी हो, फिर भी उसके अंश हमारी हथेली पे रह जाते हैं, तो उससे हमारी हथेली में ज्यादा मोक्षर होता है, यानी हथेली गीली होती है, उससे हमारी चमड़ी जो है खराब होती है, फटती है, उछलती है। एक ये रीजन है, एक घाटा है, ये एक नुकसान है। दूसरा, आप हथेली पे नमक रखते हैं और उसे फेंक देते हैं या जो करते हैं, और बाई चांस आप नहीं धो पाते हैं, तो वो नमक आपके और अंगों पे, हाथ के साथ, क्योंकि हाथ लगभग दिन भर में लगभग हाथ 1500 बार अपने चेहरे को टच करता है, तो आपकी आंख में जा सकता है, आपकी नाक मुंह नमक लग सकता है, तो आपकी जहां भी नमक लगेगा वहां पे जलन होगी। तो एक ये नुकसान है। दूसरा, तीसरा नुकसान यह है कि हथेली पे नमक रखने से एक नमक की सौगंध खाते हैं, नमक को भी पूत की तरह मानते हैं, दूध की तरह मानते हैं, बेटे की तरह नमक को समाज में मान्यता है। और आप जानते ही, आप देखा होगा कहावत है कि जिसका नमक खाया है उसका चुकाना चाहिए। तो नमक की बड़ी महिमा बताई है शास्त्रों में, और नमक के बगैर सारी दुनिया फीकी है, सब्जी दाल चावल सब बेकार है, नमक के बगैर पूरी बॉडी नमकीन है हमारी, पूरी बॉडी को कहीं से भी आप जीभ लगाइए नमकीन दिखेगा। तो नमक का तीसरा प्रयोग जो गलत है वो ये है, उसका साइड इफेक्ट गलत हमारे जीवन पे ये है कि नमक जो होता है वो रत्न की तरह, पुत्र की बराबर वैल्यू होती है उसके समाज में, और पति की बराबर वैल्यू होती है, इसीलिए हम उसका वचन देते हैं कि हमने तुम्हारा नमक खाया है, हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो नमक का वरदान है, नमक की सौगंध लोग लेते हैं जीवन जीने के लिए, इसीलिए सौगंध लेते हैं ना। तो हथेली पे लेने से एक तरह से ऐसा हो जाता है जैसे आपने सौगंध ले ली और आप किसी बंधन में न चाहते हुए फंस जाते, इसीलिए हथेली पे नमक नहीं लेना चाहिए। हथेली के नमक का यही उपाय और यही टोटका है, और उसको नहीं लेने के पीछे यह रीजन है, क्योंकि हम हथेली पे नमक लेके सौगंध खाते हैं कि हम नमक की शपथ लेते हैं, हम नमक खराब नहीं होंगे, नमक हलाल होंगे, हम आपका नमक का ऋण चुकाएंगे। और हथेली पे रख लिया नमक तो उसका एक संकेत होता है कि आप शपथ ले चुके हैं किसी प्रकार की, और नमक फिर आपके ऊपर उस तरह का प्रभाव डालता है। तो आप अवश्य ही कभी भी हाथ की हथेली पर नमक ना रखें, हमेशा चुटकी से पकड़ें, उंगलियों से पकड़ें, हथेली पर रखेंगे तो आपके शरीर में मोक्षर होगा, हथेली खराब होगी, नहीं धो पाए तो आपके चेहरे पर लगेगा, यहाँ लगेगा, और हाथ में से स्वाद जल्दी जाता नहीं है। कभी भी आपने हाथ से देखा होगा, प्याज काट लो दिन भर बास मारती है हाथों, कितना भी धो लो, आप हींग को छू लो दिन भर धो लो तो भी रहती है, क्योंकि इनमें पकड़ने की क्षमता ज्यादा है इस चमड़ी में, इसलिए नमक को पकड़ लेगी तो आपको दिन भर वो नमक जो है सताता रहेगा और मोक्षर होता रहेगा, चिपचिप होता रहेगा, इसलिए नमक का ये प्रभाव होता है। आप इस तरह कभी भी नमक हाथ में ना लें। अगर आपने हथेली में नमक लिया तो आपको भोगना पड़ेगा बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, बहुत बदन में।